झारखंड में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं हो पाया है। साथ ही अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टी रहेंगी। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अभय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वह महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे। अभय सिंह ने कहा है कि बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ी जाती। इसका मतलब जो राजद पहले सीट के लिए अड़ी हुई थी वही अब झुकती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि जेएमएम 42 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हेमंत सोरेन ने कहा था कि 7 नवंबर तक गठबंधन की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। चुनाव हम लोग महागठबंधन में लड़ेंगे। हम लोग के महागठबंधन का नेता प्रतिपक्ष माननीय हेमंत जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सीट तो हम लोग को शुरू से जो मांग रहा है अभी तक वही मांग है, मगर हम लोग कहे हैं कि बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ी जाती है, इसीलिए सीट शेयरिंग कोई माने नहीं रखता, सीट माने नहीं रखता है। हम लोग को महागठबंधन में जितना सीट मिलेगा उतना सीट पर हम लोग जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग का इच्छा है कि एक एक सीट जो है महागठबंधन के झोली में जाए और महागठबंधन की सरकार बने और ये जो राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जो भ्रष्टाचार पर लिप्त सरकार है, जो भ्रष्टाचार हर एक विभाग में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जहाँ झूठ का प्रोपगंडा का किया जाता है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा लक्ष्य है।